इस वीडियो में हम बनाएंगे एक फुली ऑटोमेटिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेम्पलेट इन एक्सेल। सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शन शीट होगी, इसमें आपके पास आइटम वाइज एक एक प्रोडक्ट की इन्वेंटरी की समरी मौजूद होगी। इसके बाद इन्वेंटरी डिटेल है, एक एक आइटम वाइज इन्वेंटरी की डिटेल आ रही है। इसके परचेज और सेल्स दोनों रिकॉर्ड हो रही है। फिर परचेज इनपुट शीट है, जहाँ पर आप सारी परचेज अपनी एंटर करेंगे और बहुत सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। फिर इसी तरह सेल्स इनपुट शीट है हमारे पास, सेल्स को भी आप वन क्लिक पे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगी और सेल्स रजिस्टर में भी इंक्लूड हो जाएगा वो, जैसे कि आ रहा है। एंड फाइनली हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस समरी आ रही होगी प्रोडक्ट वाइज के, प्रोडक्ट पे कितनी सेल्स आई है और कितनी कॉस्ट आई है, उसका फाइनली प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले हमारे पास एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट शीट आ रही है, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी एक समरी बनाई गई है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, सेल्स क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक और उसके फिर वैल्यूएशन। यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं कराना के नाम से, इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है डजन, ओपनिंग स्टॉक उसका जीरो रखते हैं सिंपलिसिटी के लिए। यहाँ पर उसकी परचेज एंड सेल्स की क्वांटिटी आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक परफॉर्मेंस कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस फिर सेल्स। यहाँ पर वेरिएशन के लगाते हैं क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय प्लस बियॉन्ड 11 इफ की कंडीशन लगाने हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन 20 देन यस इन्वर्टेड कॉमा में, अदरवाइज अगर 20 से ज़्यादा है फिर सेकेंड शीट है हमारे पास इन्वेंट्री इन डिटेल। यहाँ पर हमारे पास एक एक प्रोडक्ट वाइज इन्वेंट्री की डिटेल है, यहाँ पर परचेज हो रही है, सेल्स हो रही है, परचेज की कॉस्ट आ रही है, यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, सेल्स की कॉस्ट और सेल्स आ रही है, और ये आगे वेटेड एवरेज कॉस्ट पर रिलेट कर रही है। हम यहाँ पर एक न्यू टेबल बनाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, पहले हम टेबल को रीनेम करेंगे, आप रखे हैं इसी तरह ऊपर वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हुई हुई है। वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल परचेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल परचेज क्वांटिटी, बिकॉज़ टाइम समय रेंज मार गया है राइट। यहाँ पर हमने फाइंड करना है क्राइटेरिया है हमारा परचेज सम हमारा क्वांटिटी, आगे हमारे पास 450 सिर्फ परचेज टोटल, इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे वैल्यू में, क्वांटिटी की जगह हम करते हैं क्या और इस तरह वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रहा है। इसी फॉर्मूला को यहाँ का भी करते हैं और सिर्फ टेबल का नेम चेंज करते हैं, टेबल का नेम है हमारा इसी फॉर्मूला को अगर आप कट करते हैं और यहाँ पर कौन सी तीन जगह फर्स्ट शीट है हमारे पास परचेज इनपुट के, यहाँ पर आपने एक्चुअल में परचेज कॉल करनी है और ये इंडिविजुअल परचेजेस अपने अपने इन्वेंट्री की डिटेल में ऐड हो जाएंगे। फिर अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपना बनाना डेट लगा देते हैं परचेज सप्लाई बन गया, आप ले सकते हैं क्वान्टिटी स्पेसिफाई करना है, यहाँ पर इसका वीडियो का फॉर्मूला लगा हुआ है, मेरे को उनका पॉपुलर लगा है मास्टर शीट के साथ, मास्टर शीट से ये सब जगह पर चल रहा पिक कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं ये रिक्वायर स्पेसिफाई करें इसके लगते हैं मुझे बैकअप होता है। अब हम चाहते हैं जो भी चेस इनपुट का डाटा हो वो इन्वेंटरी डिटेल में कॉपी हो जाए, फॉर एग्जांपल बनाना हमने परचेज किया है, इतना परचेज किया है,
ये बनाना की डिटेल में ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमें डीबीए कोड यूज़ करेंगे, डेवलपर टैग पे जाके फीचर से यहाँ पे पहले से कोड पेस्ट किया हुआ है, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक एक स्टेप की नरेशन लिखी हुई है, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इनपुट शीट का रेफरेंस देंगे। इनपुट शीट का नेम है हमारे पास परचेज इनपुट, परचेज इनपुट आ जाएगा। इसी तरह हम शिवदी में मूवली शीट का रेफरेंस देंगे, जहाँ पर हमने इन्वेंट्री की डिटेल ऐड करनी है। हमारे पास इन्वेंट्री डिटेल के नाम से शीट आ रही है। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास टेबल्स के नेम आ रहे हैं, कॉलम नेम, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट के नेम पे है। ये लाइन कॉलम A5 से लेकर नीचे तक टेबल के नेम सर्च करें, क्योंकि हमारे पास टेबल के नेम प्रोडक्ट के नेम पर बेस्ड है। ये प्रोडक्ट हमारा टेबल नेम आ जाएगा। ये वाले टेबल सर्च करेगी, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज बनाना। फिर उसके बाद चाहिए हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने बनाना ऐड करना है, तो बनाना का जो इन्वेंट्री डिटेल का टेबल है उसमें हमारे पास डेट आ रही है, टाइप आ रही है, ये अगले और चीज़ें आ रही हैं, तो इन्हें हम फिल करना चाह रहे हैं। अब ये सेल 1 बाय 1 का मतलब है, 1 बाय 2 का मतलब ये है कि ये हो रहा है हमारे पास सेल 1 1, रो 1 1, कॉलम 1, इसी तरह ये रो 1, कॉलम 2, एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। ये अब हमारे पास टेबल के कॉलम 1 और रो 1 में हमें चाहिए डेट चाहिए। डेट हमारे इनपुट शीट के सेकंड कॉलम में आ रहा है। अब वो सेकंड कॉलम को पिस्टल स्पेसिफाई करेंगे, हम यूज करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये है कि हमारे टेबल के नेम से, ये टेबल के नेम से राइट साइड पे कितना राइट साइड पे हमारी डिटेल है, तो ये ऑफसेट का होता है। ये ऑफसेट रहेगा 0 1, यानी कि 0 रो, लेकिन कॉलम +1 ऐड हो जाएगा राइट पे। इस तरह ये 0 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन ये आगे चलता रहेगा। अब हमने डेट फिल करनी है, तो डेट हमारे पास आ रही है ऑफसेट 0,1 पे आ रही है। सेल 1 बाय 1 का कर देंगे ऑफसेट 0 1। इसी तरह हमारे पास सेकंड कॉलम में आ रहा है, कॉलम 1 2 में आ रहा है हमारे पास टाइप। टाइप हमारे इनपुट शीट के ऑफसेट 0,2 पे आ रहा है। हम इसको इस तरह स्पेसिफाई कर देंगे, सेल 1 2 ऑफसेट 0,2। इसी तरह ये सारी डिटेल फिल हो जाएगी। ये आगे नरेशन भी लिखी हुई है इसकी। ये हमारा बहुत रेडी है। न्यू बटन ऐड कर लेते हैं, चेक करते हैं इसका। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि डाटा रिकॉर्डेड सक्सेसफुली है। तो हम चेक करते हैं, तो हमारा ये बनाना का डाटा ऐड होएगा, हो गया। ये वाली वो हम टेबल पर करते हैं, ये डाटा ऐड हो गया। इसी तरह हमारे पास ऊपर ऑरेंज का भी डाटा ऐड हो गया, एंड एप्पल का भी ऐड हो गया। एक बार फिर ट्राई करते हैं। ये डाटा हमारे पास ऐड हो गया, एप्पल का आ गया, ऑरेंज का आ गया, एंड देन लास्ट में बनाना का आ गया। और इसी तरह ये वेटेड एवरेज कॉस्ट अपडेट होती रहेगी साथ साथ। इन्वेंट्री मॉस्टर शीट अपडेट कर देते हैं। बनाना के परचेजेस पे फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू, इन्वेंट्री डिटेल पे जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी के साथ तो हमने फोटो लगाएगा सर, तो इस तरह तो चीज की क्वांटिटी पिक करेगा, एंड ये सेलेक्ट कर देंगे इस तरह।
इसी तरह यूनिट कॉस्ट में इक्वल टू जो वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रही है हमारे पास, ये आती है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यूएशंस की कैलकुलेट हो गई। इसी तरह हमारे पास सेल्स इनपुट शीट है, यहाँ पर आप सेल्स एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री को भी अपडेट कर देगा और हमारे पास सेल्स रजिस्टर को भी अपडेट कर देगा। प्रोडक्ट ऐड करते हैं, डेट आ जाएगी, सेल्स एंटिटी स्पेसिफाई करें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है जैसे पहले ना लगाया था हमने, यूनिट सेल्स प्राइस ऐड करें, सैंपल क्वांटिटी ये सेल्स वैल्यू ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स रहेगी हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की, यहाँ पर हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देते हैं, वी लुकअप लुकअप वैल्यू है कि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल का नाम हमारे पास मास्टर शीट, मास्टर शीट जो मेन शीट है हमारे पास वहाँ से हम पिक करेंगे, कॉलम नंबर 8 है हमारे पास सोर्स, ये मास्टर शीट के कॉलम नंबर 8 पे आ रही है हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रही है, ये यहाँ से पिक कर लेगा और इनपुट शीट को आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह हमारे पास सेल्स रजिस्टर भी है, जिस तरह हमारे पास इन्वेंट्री डिटेल थी, जब भी सेल्स आएगी हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, ये यहाँ पर यूनिट सेल्स प्राइस आ जाएगी और सेल्स वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट ऐड हुआ है बनाना, उसके लिए हम एक नया टेबल बनाते हैं, टेबल को रीनेम करेंगे, रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीनेम हम सेल्स रजिस्टर की टेबल को इस तरह करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का नाम फॉर एग्जाम्पल बनाना और साथ में सेल्स, देखिए बनाना सेल्स के नाम से हमारे पास ये टेबल आ जाएगी। अब ये इनपुट शीट का डाटा सारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा सेल्स रजिस्टर में और इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगी साथ साथ, जैसे ये सेल्स आ रही है। सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए हम VBA कोड यूज करते हैं, इस मैक्रो का नाम है रिकॉर्ड सेल्स रजिस्टर, ये सेम वही मैक्रो जो हमने पहले यूज किया था। सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट शीट का रेफरेंस देंगे जहाँ से हमें डेटा कॉपी करना है, फिर यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे जहाँ पर हमें डेटा कॉपी करना है सेल्स रजिस्टर में कॉपी करना है हमने, इसी तरह ये कॉलम A5 से लेकर नीचे तक टेबल का नेम यानी कि प्रोडक्ट का नेम करेगा, यहाँ पर हमने एक एडिशनल लाइन ऐड किया है एंड सेल्स, क्योंकि हमारे टेबल का नेम है प्रोडक्ट प्लस सेल्स, जैसे कि बनाना सेल्स जैसे अभी हमने ऐड किया था। इसी तरह हम नीचे आएंगे, वही सेम तरीका सेल्स को फिल करने का, सेल वन बाय वन ऑफ सेल्स रजिस्टर, ये हो गया हमारे पास सेल वन बाय वन, वन बाय टू एंड सो ऑन, उसको हम फिल करेंगे ऑफसेट जीरो बाय वन, ऑफसेट जीरो बाय वन आ जाएगा हमारे पास डेट का, इसी तरह आगे ऑफसेट चलता रहेगा सो ऑन जैसे हमने पहले किया था। ये इसी तरह सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगे। इस VBA कोड से हमारा सेल्स रजिस्टर तो फिल हो जाएगा। अब हमने इन्वेंट्री भी अपडेट करनी है साथ में, जैसे ही सेल्स होगी इन्वेंट्री अपडेट होगी, तो इसी के नीचे एक और कोड ऐड है, इसका नाम है रिकॉर्ड सेल्स इन्वेंट्री, ये भी वही सेम कोड है जैसे हमने ऊपर किया था। सबसे पहले हम यहाँ वर्कशीट से रेफरेंस देंगे सेल्स इनपुट, यहाँ से हमने डाटा कॉपी करना है और यहाँ पर हम डाटा जहाँ पर हमने कॉपी करना है इन्वेंट्री डिटेल की शीट में कॉपी करना है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री अपडेट करना है, तो इस शीट पे हम डेटा एंटर करेंगे। सेम उसी तरह हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम दोबारा सेल वन बाय वन यानी कि इन्वेंट्री डिटेल के सेल वन बाय वन, सेल वन बाय वन, वन बाय टू में हम डेटा फिल करेंगे।
सेल वन बाय वन में हमारे पास डेट आ रही है जो कि ऑफसेट 01 पे है, जैसे हमने पहले किया 01 पे आ रही है हमारे पास डेट, और टाइप आ रहा है हमारे पास 02 को। यहाँ पर हमने एक चीज चेंज की है, जहाँ पर हमने क्वांटिटी कॉपी करनी है वहाँ हमने उसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं तो इन्वेंट्री हमारी कम होएगी उससे, जैसे कि ये पहले भी ऐड हुआ होगा, ये ऐड हुआ होगा। इसी तरह लास्ट में जो हम सेल 16 है, 16 आ रहा है हमारे पास ये वाला यूनिट कॉस्ट का, ये यूनिट कॉस्ट होगी हमारे पास जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट होगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट हमारे सेल्स इनपुट शीट के ऑफसेट 08 पे आ रही है। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये ऑफसेट 08 पे आ रही है हमारे पास जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वेटेड एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ से ये कॉपी होके इन्वेंटरी डिटेल की यूनिट कॉस्ट में पेस्ट हो जाएगी। हम इसमें ऐसे करेंगे कि जो सेल 16 है इन्वेंटरी डिटेल का, उसमें हम ऑफसेट 08 मतलब ये यूनिट कॉस्ट कॉपी करेंगे। ये इस कोड में सिर्फ डिफरेंस था। हम चाहते हैं कि एक ही बटन हो जिससे हम इन्वेंटरी को भी अपडेट कर दें और सेल्स को भी अपडेट कर दें, सेल्स भी ऐड कर दें। तो एक ही बटन पे दो मैक्रोस असाइन नहीं होते, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट है इसका। हम एक न्यू मॉड्यूल ऐड करेंगे, उसमें हम ये दोनों मैक्रोस को कंबाइन कर देंगे। उसका नाम होगा कंबाइन मैक्रो। सबसे पहले कंडीशन होगी हमारे पास कॉल रिकॉर्ड सेल्स इन्वेंट्री, जो हमारे पास पहले मैक्रो का नाम है। इसी तरह सेकंड मैक्रो का नाम है हमारे पास रिकॉर्ड सेल्स रजिस्टर। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास। न्यू बटन ऐड करेंगे और उसको हम कंबाइन मैक्रो का साइन कर देंगे। आ गया हमारे पास, तो चेक करते हैं इसको। ये डाटा रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। सेल्स रजिस्टर चेक करते हैं हम, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है कराना। इसी तरह इन्वेंट्री में चेक करते हैं हम, तो इन्वेंट्री भी माइनस हुई हुई है, यानी जो इन्वेंट्री भी कम हो रही है। एक बार फिर से कर लेते हैं, न्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स, रिकॉर्ड करते हैं सेल्स। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स दो दफा ओपन होगा, एक दफा ये सेल्स रजिस्टर को अपडेट करेगा, कुछ दफा इन्वेंट्री डिटेल को अपडेट करेगा। चेक करते हैं, ये बनाना की सेल्स रिकॉर्ड हो गई है। फॉर्मूला लगा लें। इसी तरह इन्वेंट्री डिटेल भी बनाना की सेल्स रिकॉर्ड हो गई है, ऑरेंज की भी सेल्स रिकॉर्ड हो गई है, इसी तरह एप्पल की भी रिकॉर्ड है। शेयर को भी अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पर सेल्स इक्वल टू सेल्स रजिस्टर में जाएंगे, बनाना की सेल्स की क्वांटिटी करेंगे, तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की अपडेट हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी आप करवाओ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एक एक आइटम वाइज। यहाँ पर हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं बनाना के नाम से, क्वान्टिटी सोल्ड आ जाएगी हमारे पास। वैल्यू कब लगा देंगे, कब वैल्यू है हमारे पास प्रोडक्ट की। टेबल है हमारे पास मास्टर शीट का, जो हमारी मेन शीट है। कॉलम नंबर है हमारे पास 6 से कॉलम नंबर हमारे पास। ये हमारे पास क्वान्टिटी सोल्ड आ गई। सेल्स वैल्यू हम निकालेंगे इक्वल टू सेल्स रजिस्टर के बनाना की सेल्स की टोटल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकालेंगे, सम इफ की कंडीशन लगाएंगे, सम इफ इन्वेंट्री डिटेल में जाएंगे हम,
बनाना क्या टेबल में, यहाँ पर हम सिर्फ सेल्स की कॉस्ट चेक करेंगे। तो ये रेंज बारिश करते होंगे, क्राइटेरिया है इसमें हमारा सेल्स का, ऊपर फॉर्मूला बात है कितना है, सेल्स आ गई हमारे पास, फिर कॉमा लगाते हैं, जो रेंज हुई थी हमारे पास सम रेंज है वो है सेल्स की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गए, फाइनली हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया।